son of the most capable SP, Ahmed Khan Chadhar, who got Star's distinction. He has the honor of arresting the terrorist in short time. He's working for CTD, the most powerful agency of Pakistan since 7 years. The brave man who made his father's proud. His brave police officer who is not afraid of anyone. He is the one who sent dangerous criminal Amjad Pappu to hell. To know more about him, let's move to our story. अस्सलामु अलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। अशरफ चद्दड़ सीटीडी के साथ नादरीन इनका ताल्लुक है। इस पुलिस ऑफिसर ने जो है ना नादरीन, आप यकीन करें, तारीख रकम कर दी है। इन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जितने इकदाम और जितने टेररिस्ट को गिरफ़्तार किया उनमें से कई जो है उनको जहन्नम वासिल भी किया, बाकी जो थे उनको जेलों में भेजा। इस वजह से जो है ना सीटीडी के महकमे ने देखते हुए ना इनको 7 साल से महकमे सीटीडी के अंदर जो है ना, आपको पता कितनी ऑपरेशनल और कितनी ताकतवर फोर्स है वो, वहाँ पे ये जो है ना अपनी खिदमात के फ़रज़ अंजाम दे रहे हैं। इनकी हिस्ट्री ये है कि इनके फादर जो थे ना, उनका नाम था अहमद खान चदड़ और वो मोटिवेशनल स्पीकर थे, मुसन्निफ़ हैं। उन्होंने बेशुमार किताबें कानून और लोगों की रहनुमाई के लिए, ताकि लोगों को पता लगे कानून के अंदर क्या क्या होता है। नादरीन, जब उन्होंने महकमा पुलिस के अंदर जो है ना काम किया, तो उस वक्त राउफ डोगर, असलम शाही, गुलसगर साहब जो एसपी थे, ये एसपी सीआईए थे, एडिट गति साहब किला गुजर सिंह के इंचार्ज थे, इस तरह के जो पुलिस अफसरान थे ना, ये सब महकमा में काम कर रहे थे। नादरीन, ये जो दौर था ना, इतना कुछ ज़बरदस्त दौर था ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। राणा ज़िया का पुलिस मुकाबला स्टूडेंट था वो, क्यूएसएफ का, उसको पुलिस मुकाबले में इन्हीं की टीम ने, अहमद खान चद्दड़ साहब की टीम ने मारा था। अहमद चद्दड़ साहब जो है ना, इन्होंने रिटायरमेंट के बाद किताबें लिखी और उन किताबों के अंदर ऐसे ऐसे वाकया जो इन्होंने लिखे हुए हैं कि अगर आप उस किताब को पढ़ लेना तो यकीन है आप जुर्म करने से तौबा कर जाएंगे। इन्होंने किस तरह से क्राइम की रोकथाम के लिए क्रिमिनल्स को ट्रेस किया, वो सारी बातें उनकी किताबों में लिखी हैं। अहमद खान चद्दड़ जो है ना, इनका नाम महकमा पुलिस की तारीख के अंदर एक लेजेंड के तौर पर लिख दिया गया है। ये अहमद खान चद्दड़ साहब के बेटे हैं और लाहौर के अंदर बेशुमार थानों के अंदर SHO रह चुके हैं। इनका एक पुलिस मुकाबला मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको एक प्रोग्राम किया था मुख्तार शहनशाह साहब का, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अरशद टैडी इंतहाई ख़तरनाक, जो 90 से ज़्यादा मुकदमात में पुलिस को मतलूब था, हेडमनी वाला वो बंदा था, उसको मुख्तार शाह साहब ने जन्म वासिल किया था। उसका ये भाई था, इसका नाम था अमजद पप्पू। ये डिफेंस के इलाके में जो है ना वारदातें करता था। जो अशरफ चद्दड़ इनकी तैनाती मनामा थाने में हो जाती है, तो इनको जो है ना, एक डॉक्टर साहब थे वो SP इनके ना, वो इनको ऑर्डर देते हैं कि जी आप किसी भी तरीके से इस गैंग को गिरफ्तार करें। ये इसके सुराग में लग जाते हैं और पता लगता है कि अमजद पप्पू कराची चला गया। कुछ अरसा के बाद वो दोबारा आता है और ताजपुरा स्कीम में रिहाइश रख लेता है और वहाँ से निकल कर एक नामालूम बंदे को लेकर ये डिफेंस के इलाके में वारदातें शुरू कर देता है। ये पेशावर आदमी था। इसका भाई अरशद टैडी 1991 में सांदा के SHO मुख्तार शाह साहब ने जन्म हासिल किया और ये 1995 की बात है जब ये मनामा में तैनात थे। नादरीन, आप यकीन करें कि इस बंदे की मैं दिलेरी की आपको बात सुनाऊंगा, ऐसे होता नहीं, लेकिन ये इस तरह हुआ है। नसीमुल इशा साहब जो है ना, उन्होंने ये सगासा जो है दर्ज किया हुआ है, FIR को आप पढ़ रहे हैं। ये अमजद पप्पू के कत्ल की FIR है जिसमें वो उसको मार दिया गया। नादरीन, आप यकीन करें कि इनको ताजपुरा स्कीम के अंदर जो है ना मकबूरी होती है कि फलां जगह पर जो है ना ये इश्तिहारी और इसका एक नामालूम बंदा आप वहाँ पर रह रहे हैं। ये रेड करते हैं, अशरफ चद्दड़ साहब घर की बलाई मंजर पे चले जाते हैं। ऊपर से जब ये फायरिंग का तबादला शुरू होता है तो उस फायरिंग के नतीजे में इनके बाजू पर जाना, यानी राइट साइड पे जो है इनको गोली लग जाती है। इनको गोली लगती है, शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। तो वो जो हमलावर थे ना, जो मुकाबला कर रहे थे अमजद पप्पू, उसका नामालूम साथी, ये घर का दरवाज़ा खोलते हैं और पुलिस पार्टी पे फायरिंग करने के बाद ना उस गली में भागना शुरू कर देते हैं। जो ही ये मेन रोड की तरफ आते हैं ना, वहाँ पर एक नाका लगा होता है, रात 8-9 बजे का टाइम होता है, वहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर, एक ASR, 2 कांस्टेबल नाका लगा के खड़े होते हैं। ये ज़ख्मी हालत में उन पर फायरिंग करते हैं और वो चारों जो है ना पुलिस अफसरान उनको शहीद कर देते हैं। जब अशरफ चद्दड़ साहब छत से नीचे आते हैं और अपने कांस्टेबलान और अपनी टीम को कहते हैं कि इनका पीछा करो, तो नादरीन, आप यकीन करें कि उनमें एक इसहाक नाम का कांस्टेबल था, वो मुझे एक टाइम पे मिलता है। चूँकि अरशद टैडी की वजह से अमजद पप्पू का मैंने नाम सुना हुआ था, वो चूँकि मेरा मैम दादी पुलिस था, मैंने पुलिस की हेल्प की थी और मेरी इस कत्ल और इस पुलिस मुकाबले में बड़ी तवज्जो थी। उस कांस्टेबल ने ये बताया कि अशरफ चद्दड़ साहब को हमने कहा है कि सर आपको एम्बुलेंस बुला के भेज देते हैं, हम इनका पीछा कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर ये आज निकल गए तो मैं महकमे पुलिस में मुंह क्या दिखाऊंगा। तो नादरीन, ये होता है एक लेजेंड बाप की औलाद होने का हक अदा करना।
तो लोग क्यों करोड़ करोड़ का, पांच पांच करोड़ का घोड़े का पप्पी खरीदते हैं? मैंने यूट्यूब पे देखा है, वो घोड़े को नहीं खरीदते, वो उसकी ब्रीड के पैसे देते हैं। तो ये ब्रीड ही कुछ इस तरह की थी। अशरफ चदर साहब जो है ना मौके पे आते हैं और उन जख्मियों पर जो है जाहिर है कि उन पर उनको चांस देना तो हमाकत थी, तो ये उन पर फायरिंग करते हैं और उन दोनों को पुलिस मुकाबले में पार कर देते हैं। और ये बड़ा तारीखी पुलिस मुकाबला था कि दो जो है डाकुओं ने दो अफसरों को और दो कांस्टेबलान को जो है ना शहीद कर दिया। नादरीन इन्होंने उनको भागने दिया और जन्म वासिल कर दिया। उसके बाद जो है ना इनका नाम उफक की बुलंदियों पर चला गया। लाहौर के बेशुमार थानों में ये SHO को फरायद अंजाम दे चुके हैं। इन्होंने महकमे पुलिस में दहशतगर्दी के जितने भी इकदाम, उनकी रोकथाम के लिए खिदमात अंजाम दी है ना, अगर मैं आपको बयान करना शुरू कर दूं तो मुझे 10 प्रोग्राम करने पड़ जाएंगे। इनको 1995 में जो है ना सितारा इम्तियाज के साथ नवाजा गया। इनको बेशुमार तमगे और इनामात मिल चुके हैं। अपने वालिद का नाम इन्होंने जिस तरह से रोशन किया ना, ये चीज़ जो है ना बताने वाली है। नाजरीन अहमद हाँ चदर साहब जो है ना, लोग ये इनको कहते हैं, जब ये भर्ती हुए ना तो लोग इनको ये कहते हैं कि अहमद हाँ चदर साहब के बेटे हैं। आज लोग ये इनको कहते हैं कि अहमद हाँ चदर जो है वो इनके वालिद हैं। यानी अशरफ चदर साहब का नाम जो है ना अपने वालिद से भी ज़्यादा महकमे पुलिस में जो है ना जाना जाता है, पहचाना जाता है। नाजरीन इनके वालिद को जो है ना, आप यकीन करें, जिस तरह चौधरी शफीक गुजर की तफ्तीशों को पूरी दुनिया मानती थी ना, इनके वालिद की तफ्तीश को पूरी दुनिया मानती थी। उस वक्त जो था ना एक केस हुआ था जिसमें नासर मिठू हाकनवाज बलोच साहब, उसके अंदर जो है शकील जग्गा, उसके अंदर एक सिमी हटक थी, उस राय मीर खरल थे, इनके ऊपर ना कोई एलिगेशन लगा था कि इनके राह के साथ जो है ना कोई ताल्लुकात है, वाबस्तगी है। तो उस केस की तफ्तीश आर्मी ने अहमद हाँ चदर साहब को दी थी। तो इतने कॉम्पिटेंट और इतने ज़बरदस्त अफसर थे कि वो तफ्तीश को तरजीह देते थे पुलिस मुकाबलों के वो खिलाफ थे। नाजरीन आप ये देखें, अशरफ चदर साहब जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव जो है धमाका खेज मवाद जो है पकड़ा है। एलर्ट सेंटर के अंदर जो फोर्स के साथ जो मुकाबला हुआ दहशतगर्दों का, उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। CTD में जब से ये हैं तो क्राइम की रोकथाम के लिए जिस तरह के इकदाम ये कर रहे हैं, ये एक मिसाल लिखी जाएगी। चकवाल, सरगोधा और शेखुपुरा से जो है ना इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की थी और 1986 में बतौर ASI महकमे पुलिस को ज्वाइन किया। 1990 के अंदर ना इनको SHO मुस्तफाबाद जो है ना तैनात किया गया। ग्रीन टाउन, शुमाली छौनी, गाजियाबाद, मनावा, शाहदरा डिफेंस, गुजरपुरा, मॉडल टाउन, हंजरवाल, सिविल लाइन, पुरानी नारगली, मजांग, लिटन रोड, किला गुजर सिंह, लाहौर के तकरीबन 34 थानों के अंदर ना SHO और बतौर DSP जो है ना अपने फरायज अंजाम दिए। अशरफ चदर साहब जो है ना, इनको एक लेजेंड खानदान का सपूत कहा जाता है महकमा पुलिस में। और सबसे बड़ी बात, इनकी वर्दी बेदाग है और जमीर भी जिंदा है। और याद रखिएगा, तारीख इस बाप और बेटे के नाम को जो है ना सुनहरी अल्फाज के साथ लिखेगी। नादरीन, ये वो घराना हुआ है कि अहमद हाँ चदर साहब का नाम आप महकमे पुलिस के अंदर उन अफसरान पर लेकर देखें जिन्होंने इनके साथ काम किया हुआ है। वो आपको बताएंगे कि वो एक मिसाली जो है ना, मिसाली किस्म की नौकरी महकमे पुलिस में कर गए हैं और तारीख इनको जो है ना एक लेजेंड, ईमानदार, दयानतदार, वफादार, बहादुर के नाम से याद रखेगी। बेशक अशरफ चदर साहब ने आगे उनका नाम मजीद रोशन किया है। मैं अशरफ चदर साहब को जो है इनकी खिदमात के बदले खराज तहसीन पेश करता हूँ और इनको सल्यूट पेश करता हूँ। अशरफ चदर साहब, आपने जिस तरह से अपने बाप के नाम को रोशन किया ना, अल्लाह ताला इसी तरह आपको ज़िंदगी, सेहत और तंदरुस्ती से नवाजे। पाकिस्तानियों की दुआएं आपके साथ हैं। आपने दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जो इकदाम किए हैं और जो सख्त फैसले किए हैं, इनका जरा आपको अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है। नाज़रीन, मेरा प्रोग्राम देख के अगर आपको पसंद आए, अशरफ चदर साहब की लाइफ या अहमद हाँ चदर साहब के बारे में किसी भी किस्म की बात जो मेरे इलम में ना हो आप बतानी चाहें तो कमेंट बॉक्स में आएगा ताकि लोग भी पढ़ें। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।